नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। 90 के दशक की हॉट हीरोइनों में शुमार ममता कुलकर्णी हाल ही में फिर से विवादों में फंस गई हैं। ममता पर अपने पति विक्की गोस्वामी के साथ मिलकर 2000 करोड़ की ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप लगा है। इस मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। विक्की गोस्वामी एक इंटरनेशनल ड्रग्स सीक्रेट रैकेट सरगना है। साल 2014 में केन्या पुलिस और अमेरिकी ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के स्ट्रिंग ऑपरेशन के बाद विक्की को अरेस्ट कर लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब विक्की दुबई की जेल में था तब ममता कुलकर्णी ने उनसे शादी कर ली थी। जेल में रहने के दौरान विक्की का सारा बिजनेस ममता ही संभालती थी। दुबई में विक्की को आजीवन कारावास यानी 25 साल की सजा दी गई थी, लेकिन विक्की ने सजा से बचने के लिए अपील की थी। आपको बता दें कि दुबई में अच्छे वर्ताव व कुरान की आयतें सीखकर मुस्लिम धर्म अपनाने वाले व्यक्ति की सजा बहुत कम कर दी जाती है। विक्की ने इसी सजा से बचने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। वे हर समय कुरान की आयतें पढ़ता था, इसके चलते सिर्फ उन्हें 5 साल की सजा हुई।